हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाली हूँ। बेसिकली विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, कोई भी स्किन टाइप हो सबको ड्राइनेस फील होती है। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई रहने शुरू हो गई या ड्राई रखते हो आप अपनी स्किन को, तो बेसिकली आपकी स्किन में एक ब्लैकनेस आने शुरू हो जाती है, विच इज़ सो नॉर्मल, विच इज़ सो यूजुअल। अगर आपकी स्किन ब्लैक होने शुरू हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग हो रही है, विच मीन्स ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन अंदर से डैमेज हो रही है। तो उस ड्राइनेस को, डैमेज को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं? आप किसी अच्छे सीरम का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी अच्छे ऐसे मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, प्लम्प रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए। तो इसीलिए आज मैं एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट का आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ। सो यू गाइज ऑलरेडी नो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस गार्नियर शीट मास्क विद हेयलरॉन शॉट। यू कैन सी, सो दिस इज़ द शीट मास्क फ्रॉम गार्नियर, जो अभी काइंड ऑफ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है फ्रॉम गार्नियर। एंड दिस इज़ फ्रेश मिक्स बूस्टर मास्क, सो विच मीन्स कि यहाँ पे आपको सिरम मिल जाता है नीचे की साइड पे, एंड ऊपर आपको एक टिश्यू मास्क मिलता है जिसको आपने फ्रेशली मिक्स करना होता है। तो लाइक इट्स काइंड ऑफ वेरी गुड कि अगर आपको जितना इसमें आपके सिरम है उसको आपने फ्रेशली अपने टिश्यू में मिक्स करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। एंड जो शीट मास्क होते हैं उनको बेसिकली हम वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, दोबारा हमें उनको यूज़ नहीं करना होता है, बिकॉज वो आपके स्किन को इतना अच्छे से डीपली मॉइस्चराइज करते हैं, इतनी डीपली आपकी स्किन को वो आई वुड से रिपेयर कर देते हैं कि आपको ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है या फॉर सम रीजंस यू कांट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और टेक केयर ऑफ़ योर स्किन ऑन डेली बेसिस, तो आप ऐसे शीट मास्क ट्राई कर सकते हैं। सो बेसिकली शीट मास्क आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड काफ़ी ज़्यादा आई वुड से हमारी स्किन को, अगर वो अच्छा हमें कोई गुड इफेक्ट्स मिलते हैं तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना ही चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, सो ये आपको मिल जाता है 150 रुपीज़ का ओनली, एंड 33 ग्राम प्रोडक्ट की इसमें क्वान्टिटी मिल जाती है। अब मैं 150 रुपीज़ का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको हफ्ते में इसको एक बार यूज़ करना होता है। तो अगर आपने लाइक ऐसा कोई आपने फेशियल नहीं करवाना है या ऐसा आपको किसी भी क्लीनअप की ज़रूरत नहीं है, अगर आप टीनेजर हो तब भी आप शीट मास्क अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज रखना मतलब किसी भी बैरियर में नहीं आता है कि हमें इस एज के अकॉर्डिंगली हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना होता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्किन की अच्छी केयर करोगे, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखोगे, तो आपकी स्किन प्लम्प रहेगी, खिली खिली रहेगी, आपकी स्किन के ऊपर डार्कनेस नहीं आएगी, ब्लेमिशेस नहीं आएगी। सो देर आर सो मैनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्राइनेस, तो ड्राइनेस को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो। लाइक मेरी स्किन टाइप इज़ कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ, बिकॉज मेरा टीजोन एरिया एसच ऑयली है, बाकी मेरी जो बाकी की स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। एंड यू कैन सी आजकल तो बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो रही है, अभी मैंने लिटरली फेस वॉश किया था एंड यू कैन सी हेयर, तो यहाँ पे मुझे ड्राई पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे वाइट वाइट देख रहे हो, ये ड्राइनेस हो रखी है मेरी स्किन के ऊपर। तो आई थॉट चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये हेयलरॉन शॉट है, मतलब हेयलरॉनिक एसिड है इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला इंग्रेडिएंट होता है। अगर आपकी स्किन को आपने बहुत ज़्यादा लाइक ड्रेंच कर देना है बिल्कुल हाइड्रेशन में, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश्ड रखना है, तो हेयलरॉनिक एसिड इट्स वन ऑफ दैट इन्ग्रीडियंट जो आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, डीपली आपकी स्किन को रिपेयर करता है। सो अगर मैं बात करूँ इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो इसको ना मैंने परचेज़ किया था नायका से। तो इफ़ आई रीड अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन, गार्नियर इंट्रोड्यूसेस अ न्यू जनरेशन ऑफ फेस मास्क फॉर वुमेन दैट इज फ्रेशली मिक्स्ड बाय यू। दिस गार्नियर मास्क इज़ अ टू पार्ट शीट मास्क comprised of a hyaluronic acid serum and an algae tissue mask. In one section is hydrating formula enriched with hyaluronic acid and separately in other section is an ultra absorbent dry algae tissue mask waiting to be infused. Mix it when you want. Once mixed, the tissue is instantly transformed into a soft gel with bouncy cushion texture that fits to the face to replump the skin with moisture and leaves the skin softer and supple. तो अगर मैं बात करूँ इस शीट मास्क के बारे में, तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे कैसे इसको मिक्स करना है, विच इज़ सो
ईजी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ड्रॉ यू कैन से यहाँ पे आप डॉट 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 करके यहाँ पे जो लाइंस दिख रही हैं, तो बेसिकली आपको यहाँ पे पीछे मेंशन भी किया हुआ है कि कैसे आपने इसको मिक्स करना है। तो इसको आपने दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर लेना है, जो आपकी वो है डॉटेड लाइंस है उनको आपने कर लेना है ऐसे, और उसके बाद आपने इसको ऐसे प्रेस करना है लाइक यू कैन सी। तो पूरी इसमें से जो आवाज़ निकली है विच मीन्स कि आपका जो सीरम है वो अच्छे से आ गया है आपके शीट मास्क में। सी मैंने अच्छे से जितना भी सीरम था, जो भी मेरा सीरम था वो इसमें आ गया है यहाँ पे शीट मास्क में। अब मैं इसको अभी इंस्टेंटली ओपन नहीं करूँगी, जब ये थोड़ा सा इसमें अच्छे से डिप हो जाएगा एंड अब्जॉर्ब कर लेगा जो एल्गी टिश्यू मास्क है, जब वो थोड़ा सा जेल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा लाइक उसका टेक्स्चर जो है टिश्यू का वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा प्लम्प हो जाएगा लाइक आई वुड से लाइक स्पॉन्ज की जैसे हो जाएगा, तब हम इसको ओपन करेंगे। सो यू कैन सी जो ये टिश्यू मास्क है वो बिल्कुल एक जेल जैसे बन गया है प्लम्प सा। तो अब इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ, पहले हम इसको खोल लेंगे यहाँ से एंड ईजिली आप यहाँ से टियर कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कट लगा होता है। ओपन करके मैं अप्लाई करूँगी शीट मास्क, कितने अच्छे से ये बिल्कुल इसमें जो शीट मास्क था जो सीरम था सॉरी वो शीट मास्क में एब्जॉर्ब हो गया है एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई। The size of this sheet mask is totally perfect. Sheet mask की जो ये quality है is so good. And mild सी fragrance है, बहुत ज़्यादा ऐसा fragrance नहीं है। जितना बचा है उसको मैं अपनी आर्म्स पे और नेक पे अप्लाई कर लूँगी, और शीट मास्क के जो सीरम इसमें भी बचा है उसको भी मैं अभी अप्लाई कर लूँगी। मतलब इतना सारा अभी भी शीट मास्क इसमें सीरम है यू कैन सी, तो इसको मैं लाइक वेस्ट नहीं करूँगी और इसको रखूँगी भी नहीं, इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी बॉडी के ऊपर। तो अभी मैं 15 मिनट्स तक इसको रखने वाली हूँ, सो हम मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। तो अभी 15 मिनट्स आराम से हो चुके हैं एंड मेरी स्किन में कितना सीरम एब्जॉर्ब हो गया है, एंड अभी भी वैसे तो इसमें काफ़ी सीरम है बट एज पर इंस्ट्रक्शंस तो मैंने अच्छे से यू कैन सी 15 टू 20 मिनट्स ही इनफैक्ट मैंने अपनी स्किन के ऊपर रखा एंड यू कैन सी माय स्किन इज टोटली ड्रेंच इन दिस हियलुरोनिक एसिड विच is so good for hydration, so good for nourishment. And you can see my skin is looking so fresh. अभी और भी ज़्यादा plump लगेगी जब ये अच्छे से penetrate हो जाएगा मेरी skin के बीच में। जब आप इस तरह से massage करते हो अपनी skin के ऊपर तो और भी जितना serum होगा आपकी skin में अच्छे से deeply penetrate होगा and आई जस्ट लव डूइंग दिस थिंग बिकॉज ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करती है एंड ग्लोइंग बनाती है, प्लम्प बनाती है स्किन को। इसमें आपको 33 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है एंड अगर हम यूजुअली बात करें तो किसी भी नॉर्मल जो सीरम की बॉटल होती है उसमें भी लाइक यूजली या 10 ml का प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ फिर आपको मिलता है जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट क्वांटिटी होती है 30 ml की, तो आपको इसमें 33 प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिल जाती है 150 रुपीज़ में। बट येस इट्स ट्रू कि इसको आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो बट फिर एक हफ्ते के लिए यू आर ऑल सॉर्टेड एंड यू डोंट नीड टू गेट दैट काइंड ऑफ सीरम्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज सच बहुत ज़्यादा। यू कैन सी इसमें अभी कुछ नहीं बचा है एंड मैंने अपनी स्किन के ऊपर इसको मसाज किया है, अपनी हैंड्स के ऊपर, अपनी आर्म्स के ऊपर एंड यू कैन सी दिस इज़ द राइट वे आई वुड से
टू यूज़ दिस शीट मास्क अकॉर्डिंग टू मी। एंड अभी आप अपनी स्किन के ऊपर कोई भी मेकअप लगा सकते हो, या अगर आपकी नाइट टाइम रूटीन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो बिफोर गोइंग टू योर बेड, तो या फिर आप रूटीन में कभी भी लगा सकते हैं, लाइक हफ्ते में दो बार भी शीट मास्क आप लगा सकते हो। अगर नहीं तो आप एक बार तो मिनिमम आप ज़रूर से लगाइए, एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर से हफ्ते में लगाइए। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी शीट मास्क लगाएं तो आप नाइट टाइम में लगाइए, जस्ट डायरेक्टली जस्ट वॉश योर फेस एंड यू कैन स्क्रब या एक्सफोलिएट योर स्किन एंड उसके बाद अपना शीट मास्क लगाइए। आपको सुबह उठते बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक हेल्दी ग्लोइंग प्लम्प स्किन आपको मिलेगी। सो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी ये वाला शीट मास्क विद हियालुरॉन शॉट। एंड ये आप फ्रेशली इसको मिक्स करते हो विच इज़ सो गुड। एंड इसमें अभी भी काफ़ी सीरम जो बचा है इसमें, तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, लाइक जब मैं अपना नाइट सूट वगैरह वेयर करूँगी तो इसको मैं अपनी फुल बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। तो कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी फेस के ऊपर ही लगाना है, सो आप अपनी किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर लगा सकते हो बचे हुए सीरम को। बट मेक श्योर करना कि सीरम को एज सच बहुत ज़्यादा नहीं आपने रखना है, वरना इसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है या आपकी कोई क्वेश्चन सजेशन की क्वेरी है वो आप नीचे कॉमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर पहली बार चैनल पर आए हैं। और भी अगर आपकी कोई और भी कोई सजेशन है वो भी आप मुझको कॉमेंट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।